प्रदेश भर के अस्पतालों में कोरोना महामारी के बीच कोविड कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। ऐसे में कम वेतन पर सेवाएं दे रहा कोविड स्टाफ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा और स्थायीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कोविड कर्मियों ने बताया कि कम वेतन पर मौत के मुंह में काम कर रहे हैं और शासन का रवैया हमारे भविष्य को लेकर निष्क्रिय है और इसी के मद्देनजर महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 25 से हड़ताल करने की मांग कही। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम कोविड स्टाफ है, अस्थायी कोविड स्टाफ है। हम पिछले मार्च 2020 से काम कर रहे हैं और हमको बीच में निकाल दिया गया था। उसके बाद फिर से महामारी आई तो फिर से हमने उनकी ज़रूरत के समय हम काम आए और आज भी हम काम कर रहे हैं। फिर भी सरकार चाह रही है कि इनको और फिर से वापस निकाल दें। आपने इतनी महामारी के अंदर काम किया है? हाँ, इतने महामारी के अंदर हमने काम किया। आज भी ऐसी समस्या है कि बहुत से लोग मर चुके हैं और अभी भी हम काम कर रहे हैं। फिर भी वो सरकार निकालने के लिए बोल रही है हमको। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? हम हड़ताल करेंगे 25 से सभी स्टाफ, कोई भी स्टाफ। एमपी रेशमा निवार। मांग को लेके नारेबाजी भी की आप लोगों ने? अस्थाई मध्य प्रदेश कोविड संगठन द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं हम लोग, क्योंकि हमारी मांगे सुविधा या रेगुलर की जाए, क्योंकि पिछली बार भी कोविड चल ही रहा था और सभी अस्थाई कर्मचारियों को निकाल फेंका था और अभी भी वही प्रक्रिया में मध्य प्रदेश शासन जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर का खुद ही मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि तीसरी लहर के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं और वापस वही अभी आदेश आया है कि 30 जून तक हमारी सेवाएं बढ़ा दी है और बाद में पता नहीं कब सरकार बदल जाए और लात मार के हम लोगों को अस्थाई वालों को निकाल फेंके। क्या मांग किया? हमारी मांगे यही है कि अस्थाई कर्मचारी जो भी है उन्हें स्थाई किया जाए या रेगुलर किया जाए या अन्य किसी पद पे उनको मर्ज किया जाए और निकाले नहीं, क्योंकि निकाला था और आप ही देख रहे दूसरा चरण आया तो कितना खतरनाक आया, कई लोगों की ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये गलती दोबारा न करते हुए शासन को मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी अस्थाई कर्मचारी है उन्हें आगे के लिए निरंतर रखा जाए और परमानेंट किया जाए। क्या नाम है? संतोष पाटीदार, जिला प्रभारी मध्य प्रदेश कोविड संगठन। एक बार आप आ जाओ। आओ आ जाओ। रेशमा बोल रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।